नमस्कार, मैं प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद सिंगापुर से दिल्ली लौट आए हैं और फिलहाल दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य ठीक हो रहे हैं और जैसे जैसे लालू फिट हो रहे हैं, सियासत में उनकी सक्रियता देखने को मिल रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठे ही रणनीति बना रहे हैं, साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उस पर भी लालू प्रसाद यादव की नजर है। लेकिन ऐसे में बात अगर बिहार की करें तो छपरा के मुबारकपुर में जो घटना हुई, इसके बाद से ही बवाल मचा। विपक्ष ने भी बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि ये भी कहा कि बिहार में तो जंगल राज की वापसी हो गई है। साथ ही साथ छपरा कांड को जातीय रंग देने की भी कोशिश की गई और यादव वर्सेज राजपूत की लड़ाई बताया गया। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं और लालू प्रसाद यादव की पैनी नजर भी छपरा मामले पर थी और आरजेडी चीफ ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर पीड़ित परिजनों से फोन पर बातचीत की है। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फोन पर बात किया है छपरा कांड के पीड़ित परिजनों से। देखिए, छपरा में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई और इसमें 2 लोगों की जान चली गई है, अमृतेश कुमार और राहुल कुमार की जान चली गई है। इनके परिजनों से आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने फोन पर बातचीत की है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि बिहार में कानून का राज है, चाहे आरोपी किसी भी जाति का क्यों ना हो, भले ही वो यादव जाति का क्यों ना हो, पताल में भी छुपा होगा तो पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की सक्रियता देखने को मिल रही है। अब छपरा के मुबारकपुर में अमितेश कुमार, राहुल कुमार और आलोक कुमार 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी एक पोल्ट्री फार्म में बंद करके और बताया गया कि वो मुखिया पति है जिसने इस बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया है। जिस तरीके से डंडे बरसाए गए, 2 लोगों की जान चली गई, अमितेश कुमार और राहुल कुमार की। आज उनके पिता से बातचीत किया है आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने। अमितेश कुमार के पिता जयप्रकाश नारायण सिंह से और राहुल कुमार के पिता संजय सिंह से बातचीत किया है आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने और कहा है कि छपरा के मुबारकपुर में जो कुछ भी हुआ है ये काफी निंदनीय है, ये जातीय लड़ाई नहीं है। देखिए, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह और रामानंद यादव ने जो वहां पर लोगों के बीच एक अच्छी छवि बनाई, तमाम जाति के लोगों को एक साथ लाया, वहां अब जातीय रंग देने की इस बात की कोशिश करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ आरजेडी चीफ ने भी कहा है कि चाहे आरोपी यादव जाति का क्यों ना हो, वो पताल में भी ढूंढ छुपा होगा तो उसे ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। देखिए, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि भरोसा रखिए, बिहार में कानून का राज है, न्यायालय पर भरोसा रखिए, आपको न्याय मिलेगा। दोषी जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में बैठे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने फोन के जरिए बातचीत की है और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में मौजूदा सरकार जो है इन तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और हम आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने छपरा में जो बातचीत की है फोन पर, यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर संदेश है उन लोगों के लिए जो जातीय रंग देने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि बिहार में लालू यादव का शासन आ गया है, अब कुछ भी कर सकते हैं। तो लालू यादव ने कहा है कि आरोपी चाहे यादव जाति का क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आपको मालूम है कि वहां पर करणी सेना ने कई घरों को तबाह कर दिया, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सियासत में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।